हरिओम हरिओम। अगर आपका साई निरपराध है, उसने कुछ नहीं किया है, तो वो धुले की अदालत में क्यों नहीं गया, वहां क्यों नहीं जाके उपस्थित हुआ? कुलकर्णी, सरकार ठीक कह रहे हैं, जिस किसी को भी गवाही देनी है धुले आ जाए प्रमाण के साथ। लेकिन अभी तो मुझे साई को गिरफ्तार करके ले जाना होगा। सरकारी आदेश का महत्व मुझसे बेहतर कौन समझ सकता है हवलदार साहब? परंतु अंग्रेज सरकार साई को नहीं समझती। साई एक महान विभूति है, ईश्वर का अंश है, हमारी दुनिया के नियमों से परे हैं साई। नाना साहब, मैं आपकी इज्जत करता हूं, आप खुद ही सरकारी महकमे में वरिष्ठ अधिकारी हैं। आपसे बेहतर ही कौन समझ सकता है कि मैं सिर्फ अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं। मुझे अदालत का आदेश है साई को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का। मुझे इस आदेश का निर्वाह करना होगा। लेकिन साई हमारे लिए सब कुछ है, ईश्वर है, और हम उन्हें गिरफ्तार नहीं होने देंगे। तो तुम बाहर आ गए, लेकिन मैं तुम लोगों की भावनाओं में नहीं बह सकता, और इसका मतलब यह भी है कि मैं एक कथित चोर में ईश्वर नहीं देख सकता। हम भी साई को यहां से नहीं जाने देंगे, अपने साई को हम गिरफ्तार नहीं होने देंगे। मुझे तो अपना काम करना है, आगे बढ़ो। हिंसा करोगे तो हिंसा से ही जवाब मिलेगा। हिंसा तो साई ने सिखाई नहीं है, लेकिन सच पे अटल रहना सिखाया है। आपको साई तक जाना है तो हमें कुचल के जाना होगा। हाँ। Thank you.
गणपत जी, अब तो आप समझ ही गए होंगे मुझे किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। नाना साहब कहिए इनसे, कानून की ताकत है मेरे साथ, अगर आज ये मेरा रास्ता रोक भी लेंगे तो अगली बार ज्यादा फोर्स के साथ लौटूंगा। हाँ और जो जो इसमें मेरा रास्ता रोक रहे हैं वो सब गिरफ्तार हूं। लोग गांव में कम और जेल में ज्यादा नजर आएंगे। हम साई के लिए जेल तो क्या, फांसी पर भी लटकने को तैयार है। सच और झूठ का आखिरी फैसला तो भगवान ही करता है, लेकिन क्या कानून में इतने सारे लोगों के गवाही का कोई महत्व नहीं है? क्या कानून सिर्फ एक इंसान की गवाही को सच मान लेगा? अगर इतना ही विश्वास है अपने साईं पर तो जाने दीजिए हमें द्वार कमाई। डर किस बात का है? अगर उन्होंने अपराध नहीं किया है, कोई सबूत नहीं है उनके खिलाफ, तो बरी हो जाएंगे। लेकिन आप सबका विरोध आप सबके भाई का प्रतीक है। आपका विरोध प्रमाण है कि साईं के प्रति आपका विश्वास खोखला है। भाईजामा, आपने मुझे हर रोज सिर्फ निवाले नहीं खिलाए, हर एक निवाले के साथ लाख लाख दुआएं भी दी हैं आपने मुझे। यही मेरा रक्षा कवच है और जब तक ये मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा। आप सब हट जाइए। मत रोकिए इन्हें, जाने दीजिए इन्हें द्वारका माई। भाई साहब, साईं जो कुछ भी करता है वो उसकी लीला होती है, यही मानते हैं ना हम सब? तो ये भी साईं की एक लीला ही है और कुछ नहीं। इसमें भी किसी का उद्धार ही छुपा होगा। चलो, तुम नहीं आओगी? साई ने मुझे भाजी बाकरी बनाने के लिए कहा है, मेरा विश्वास है वो खाने जरूर आएगा।
तुम्हारे बेटे को लेकर। गणपत जी, गणपत जी, संभाली संभाली, थोड़ा चक्कर आ गया। एक क्यारे में पानी लाओ। नहीं नहीं, जब तक दत्तात्रेय भगवान के दर्शन नहीं हो जाते तब तक ना अन्न ना जल। लेकिन इससे तो आपकी तबीयत बिगड़ जाएगी। मधुमेह है मुझे, उसी की वजह से चक्कर आए हैं, लेकिन अब मैं ठीक हूं। चलिए। साईया नहीं है? बरसों से छुपी सच्चाई सामने आई तो उसका सामना न कर सका वो फकीर भाग गया। साई कभी किसी भी परिस्थिति से भागते नहीं है। अच्छा तो कहां है बताओ, कहां छुपा है वो? अगर उसे अपनी निर्दोषता सिद्ध करनी होती तो वो यहां उपस्थित रहता सबके सामने। गिरफ्तारी का भय क्यों बताइए? सरकार, साई के खिलाफ कुछ भी बोलने से पहले जरा अपने अंतर्मन में तो झांक लीजिए। अगर हम सब गांव वालों का मुंह खुल गया ना तो यहां से साई नहीं किसी और की ही गिरफ्तारी होगी। मैंने कहा था आपसे गणपत जी, ये लोग उग्र है, भयंकर है। देखिए सच का दमन हो रहा है यहां। आपके सामने आपकी उपस्थिति में मुझे धमकी दी जा रही है, भयभीत किया जा रहा है। सब आप ठीक तो है? गणपत जी हमारी बात सुनिए। हम यही ना कि साईं चोर नहीं है, यह फैसला अदालत करेगी, मैं नहीं। मैं सिर्फ अदालत के आदेश की पूर्ति कर रहा हूं। सिपाहियों समय नष्ट ना करो, पूरे गांव की नाकाबंदी होनी चाहिए। शिरडी का कोना कोना ढूंढ लो, जैसे ही साई दिखे उसे गिरफ्तार कर लो। चलो। जिसके हृदय में दया भरी हो, करुणा मैं जो सर्वोपरि हो, निर्बल का जो बने सहारा, हृदय वही तो हरि का। काका, क्या वो लोग सच में साईं को गिरफ्तार कर लेंगे? जेरे एक ही जल से प्यास बुझेरे, भिन्न नाम से एक भजेरे, रहीमन है वही राम, रहीमन है वही राम। Thank you.
जब से साई शिरडी में आए हैं उन्होंने ढाल बनकर हम सबकी रक्षा की है। आज हम सबकी बारी है साई की रक्षा करने की। चलिए चलिए मेरे साथ। ये साई कहां चले गए? इससे पहले कि पुलिस उन तक पहुंचे हमें साई को ढूंढना ही होगा। आप ठीक कह रहे हैं। आप उस तरफ देखिए, मैं उधर देखता हूं। ठीक है, चलिए। कहीं ये पाखंडी सचमुच में तो नहीं भाग गया? भाग कर जाएगा कहां? आप उधर देखिए, हम इधर जाते हैं। हरिओम। साई मिले नहीं, हमारे होते हुए साई का इतना अपमान हुआ है, मुझे लगता है वो हमसे रूठ गए। नहीं है साहब। आगे चलो। साई मिले नहीं, पता नहीं साई कहाँ चले गए। हम अपने साई को कुछ नहीं होने देंगे। हमारी मदद कीजिए। चोर चक्कू के परिवार की मदद करके आप मोल नहीं लेना है। हटो, जाने दो मुझे। रुकिए, रुकिए। रीनू, आंखें खोलना बेटा, आंखें खोल बेटा। हे कुंदा, क्या हुआ कुंदा? आप कुछ खा लीजिए ना, ये जिद आपको बीमार कर देगी। जिद नहीं, नियम है ये। मैंने बचपन से आज तक गुरु दत्तात्रेय के दर्शन किए बिना कभी खाना नहीं खाया। सिर्फ इस विश्वास के साथ कि मुझ पर प्रसन्न होकर वो एक दिन मुझे साक्षात दर्शन देंगे। अगर वो पाखंडी पाताल में भी छुपा बैठा है तो उसे ढूंढ के निकालो। अगर वो यहां नहीं मिला तो तुम लोगों के लिए अच्छा नहीं होगा, समझ लो। जी 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 सरकार। बेटा, मैंने साईं को देखा है। अच्छा, कहाँ पर? उस औदम्बर के पेड़ के नीचे। जल्दी चलिए। चलो चलो। हरिओम हरिओम।
गणपत जी मिल गया फकीर। चलो ओम साई राम, 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 ओम साई राम। अब तो तू गया फकीर, हरिओम। ओम साई राम, 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 ओम साई राम। हटो, हटो, हटो। वो रहा आपका अपराधी। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। गणपत जी साहब, साहब भीवा पानी छिड़क कर होश में लाओ इन्हें। जी साहब। भले वालों को यही दुर्बल सिपाही मिला था इस कार्य के लिए। इन्हें आधार की जरूरत है। चंदू यहीं पास में एक गाय है, जाकर उसका दूध लेकर आओ। जी सही। सरकार आपके होते हुए इस फकीर की कैसे चल सकती है? अगर आपके होते हुए ये फकीर इस हवलदार का इलाज करेगा तो उसका पूरा शरीर तो उसको मिलेगा ना। चुप बैठो। इस पर केवल चोरी का आरोप है। अधिक से अधिक कुछ महीनों के लिए ये कारावास में जाएगा, फिर वापस आएगा। लेकिन इस फकीर की देखरेख में इस हवालदार को कुछ हो गया तो ये फकीर उसका शेष जीवन काल कोठड़ी में बिताएगा। ये हवालदार ना ही जल लेगा और ना ही उदी, क्योंकि अभी तक किसी दत्तात्रेय भगवान जी के दर्शन नहीं हुए हैं और उसे मधुमेह भी है। वाह सरकार, आपकी सोच तो हमारी सोच से भी परे है। वाह।
दूध पी लीजिए। नहीं, दत्तात्रेय के दर्शन के बिना नहीं। दीनू को देने के लिए एक प्याला दूध भी नहीं है घर में, कैसे होश में लाऊं उसे? सुना है आपकी उदी ने आज तक बड़े बड़े चमत्कार किए हैं, असाध्य रोगों को ठीक किया है। आज अपनी भक्ति को दांव पर लगाकर हमसे कुछ मांगती हूं, मना मत कीजिएगा। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो इस धूप की राख को उदी की ताकत मिलेगी। भूखा देखकर तुम्हारे गुरु दत्तात्रेय को खुशी कैसे मिलेगी? गुरु दत्तात्रेय, Thank you.
दो साई, थाम ले हाथ में साई मोरे पतवार, मोरे साई मोरे दाता मोरे तारणहार। चंदू परम ज्ञान का वो दूध मुझे दो, अलख निरंजन साईरा अज्ञान।